ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत से क्या सीखा? जब पता था कि वो पूरी की पूरी फौज सामने खड़ी है, पीछे नहीं हटे, झुके नहीं, पता होते हुए एक इंसान को कि हम जीत नहीं सकते, यानी मेरी मौत है, मैं ये जो अब खड़ा हूं स्टैंड के ऊपर तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, उसके बावजूद वो इश्क कितना होता है ऊपर वाले के साथ कि वो कहता है कि मैं ये कोई ना समझे कि मैं खौफ के बुत की वजह से किसी के सामने झुक गया हूं। जो उन्होंने बीज बो दिए कि हमेशा मुसलमान दुनिया में जुल्म के सामने जब लोग खड़े होते हैं तो उनको याद आता है वो उस कुर्बानी का। ये भी याद रखें कि यजीद ने कैसे, क्योंकि कूफा के लोग वो इतने डर गए थे यजीद के जुल्म से कि वो निकले नहीं, उन्होंने इतना बड़ा सानिया इस्लाम की तारीख में होने दिया और वो सारी जिंदगी पछताते रहे। तो आज मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखें, ये जो जुल्म किया जा रहा है, आपके ऊपर खौफ डाला जा रहा है, जिस वक्त आपने ये फैसला किया कि हम राय हक के ऊपर खड़े हैं, हम जुल्म के सामने नहीं झुकते, हम अपनी आजादी ले लेंगे, ये जो मर्जी कर लें मैं खड़ा हूं, ये इनके हरबों की वजह से, इनके जुल्म की वजह से मैं किसी सूरत इनके सामने झुकूंगा नहीं, और मैं ये चाहता हूं आप भी, सारी कौम फैसला कर ले कि हम ये जालिम के सामने नहीं झुकेंगे और इंशाल्लाह हम आजाद हो जाएंगे।